अस्सलाम वालेकुम। वकुल जा अल हक्कु व जाकल बातिल इन अल बातिल का नजहूका। जब हक से बातिल टकराता है तो बातिल का सर्वनाश होता है, अल इसरा में लिखा हुआ है कुरान के अंदर। अब ये आयत मैं घड़ी घड़ी बोलता हूँ इसके लिए ताकि बातिल का जो है सर्वनाश हो जाए, ठीक है। और आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, बहुत सारे लोग मेरी एसोसिएशन पे उंगलियां उठा रहे, तो ज़रा सोचिए, ये एसोसिएशन पहले भी मैं बना सकता था, ठीक है, लेकिन नौहेरा शेख के जो अल्फाज थे, नौहेरा शेख की जो ज़बान थी, हम उसके ऊपर भरोसा करते थे। जब बाहर आके उसने भरोसा तोड़ा है, जब जाके ये एसोसिएशन बनी है। आप इतना सोचिए, जो लोग हैं ना तोहमतें लगा रहे हैं, उल्टा पलटा बोल रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, आप है ना, सारे इन्वेस्टरों को बोल रहा हूँ, सिर्फ इन्वेस्टरों को, ना के नौहेरा शेख के सपोर्टरों को, नौहेरा शेख के दलालों को। हिंदी में जो है एजेंट्स को दलाली बोला जाता है, कोई गलत लफ्ज़ नहीं लेना। चलो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, नौहेरा शेख के एजेंट्स लोग को, जो सारे ग्रुपों में बैठे हुए हैं और ग्रुपों में जो है वरगलाते रहते हैं लोगों को और वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अब ये बताइए कि इनका क्या लगे, इनका क्या लगे इन्वेस्टरों को, ये लोग जो बताते हैं इनका क्या लगे, क्या ये इन्वेस्टरों को सही मशवरा देते हैं, नहीं देते हैं। नौहेरा शेख ने सीधा सीधा अपनी घबराहट जो है ज़ाहिर कर दी है। देखिए ये वीडियो के अंदर इस तरह से उसने एसोसिएशन करके बोली है और उसने अपनी घबराहट जो है ज़ाहिर कर दी है। घबराहट क्यों ज़ाहिर करी है, 19 तारीख को जो ऑर्डर आया था उसके अंदर इनके जो एडवोकेट थे उन्होंने क्या कह दिया, लर्न काउंसिल जो थे इनके, उन्होंने क्या कह दिया, सारे इन्वेस्टर्स कंपनी के साथ है और वो विड्रॉल में इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर ये AGM करके उनका इंटेंशन मालूम करेगी, ना इन्होंने AGM किया ना इंटेंशन मालूम किया। अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्वेस्टरों का लॉयर नहीं होने की वजह से इनको बेनिफिट पे बेनिफिट मिलते जा रहा है, ठीक है। और इनकी जो घबराहट है वो देखिए किस तरीके से चालू हो गई है। जैसे ही मैंने एसोसिएशन का सिर्फ बताया कि मैं फॉर्म कर रहा हूँ एसोसिएशन और हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाने वाले, तो अब तुम्हारे को तो कुछ टेंशन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम बोल रही हो कि मैं जो है ऐसा करने वाली हूँ और डेटा देने वाली हूँ और ये करने वाली हूँ और वो करने वाली हूँ, डेटा सेंटर ओपन करने वाली हूँ। तो हम लोग अगर एसोसिएशन बना के जा भी रहे हैं तो हम लोग थोड़ी तुम्हारे काम में रुकावट डाल रहे हैं। नौहेरा शेख से डायरेक्ट मुखातिब होकर मैं ये बोल रहा हूँ कि नौहेरा शेख, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, आपने बोले कुछ लोग एसोसिएशन बना रहे हैं। देखिए पहले आप इनका वीडियो सुनिए। मगर हमको नीचा दिखाने के लिए कई प्रेशरें डालकर ऐसे चीजों को जो है रोका गया, मगर अल्लाह हक के साथ हैं। अल्लाह ताला जो है बहुत ही जल्दी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें आसानियां इंशाअल्लाह कर देंगे। अब दूसरी बात यह रही कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कंप्लेंटर नॉन कंप्लेंटर के बीच में झगड़े होते रहते हैं, तो मुझे ये मैसेज आते रहते हैं कि लोग जो है एसोसिएशनें बनाकर उनके पेपर उनके डॉक्यूमेंट सब क्लियर करते हैं। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूं, ये जो लोग एसोसिएशनों के अतराफ में, एजेंसियों के अतराफ में और कोर्ट्स के पास जो चले गए हैं, अभी जा भी रहे हैं, तो उनके बारे में आप ज्यादा फिक्र मत करिए, क्योंकि ये सब हाइपरटेंशन लोग हैं। हाइपरटेंशन से उनकी क्या मजबूरी है पता नहीं, कि लीगल नॉलेज की भी हो सकता है थोड़ी कमी होगी। तो देखा आपने वीडियो में इनकी घबराहट साफ जाहिर हो रही है, जबकि एक CEO को बोलना ही नहीं चाहिए ये चीज़। हाँ, जो जा रहा है वो जाए कोर्ट और जाके कोर्ट से ले ले, मैं कोर्ट में पैसा दे दूंगी, इनका पैसा जो है वो दे दूंगी, लेकिन इनकी घबराहट साफ जाहिर हो रही है। क्या क्या बोल रही है, ये इलिटरेट बोल रही है। नौहेरा शेख, तुम्हारे से ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारे से बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और ना आज तक के जो अपडेट दिया हूँ लोगों को सही अपडेट दिया हूँ, तुम्हारे ऑर्डर्स पढ़ के सुनाता हूँ, तुम एक ऑर्डर्स तो पढ़ के सुना दो लोगों को। हाँ, इतने सारे लॉयर्स रखे हो तुमने, उनसे जो है पूछताछ करके फिर वीडियो में आके बयानबाजी करती हो आप। तो नौहेरा शेख, तुम है ना एक बार मेरे साथ डिबेट कर लो, चलो एक बार मेरे साथ डिबेट कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लाइव चलाएंगे अपन डिबेट,
मैं सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठता, तुम भी डॉक्यूमेंट्स लेके बैठो बिना वकील के, देख लेते कौन इलिटरेट है और कौन लिटरेट है, ठीक है। कभी अपने आप को आप MBA बोलती हो, कभी तो आपका मैं एक वीडियो देखा था उसमें आप बोली हो कि मैं 8वीं 9वीं तक पढ़ी हूँ, मतलब क्या है ये सब झूठ, मेरे समझ में नहीं आता है। और इतनी घबराहट क्यों एसोसिएशन से, हम थोड़ी तुम्हारे काम में रुकावट डाल रहे हैं, हम तो कोर्ट को सिर्फ दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि नौहेरा शेख से हमारा पैसा दिला दो, इस कंपनी से हमारे को निजात दिला दो। अब तुम्हारा तो भरोसा नहीं ना, तुम कब क्या करने वाली हो, अभी तुमने एक शगुफा शोशा छोड़ दिया कि मैं देखूंगी उसमें सेटलमेंट करूंगी, काट कूट के दूंगी पैसा, देखिए वो भी वीडियो। नहीं, आप जैसे ऑनलाइन पे सबमिट करेंगे और डेटा में हम चेक करके आपको कॉल पे बात करके और एक सेटलमेंट करेंगे, देखिए आपका पेमेंट इतना था, आपको इतना पेमेंट मिला है या इतना पेमेंट हमारे पास है, और आपका इतना प्रोडक्ट आपने परचेस किया था उसका बचा हुआ पेमेंट हमारे पास है, आपने ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लिया था इतना बचा हुआ पेमेंट आपके पास है, इंशाल्लाह ये डेट में इसके अंदर आपको जो है ये पेमेंट अल्लाह के फजल से मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है कंपनी अपने हिसाब से ये भी बोल सकती है कि आपका पेमेंट जो है दो टाइम में हम लोग डिक्लेयर करके इंशाल्लाह अदा कर देंगे। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके का, ये जो नौहेरा शेख है वो बात कर रही है, काट कूट के देने की बात कर रही है। अब ये डिक्टेटर है, कंपनी के लोग जो हैं, कंपनी की तरह कंपनी में ऐसा बात नहीं की जाती है, कंपनी के लोग जो है ना सीधा सीधा बात करते हैं अपने इन्वेस्टरों से या अपने कस्टमरों से। अब ये बोल रही हैं मैं देखूंगी कितना लोग ने खरीद लिए, कितना ले लिए पैसा, ये सब बातें कर रही हैं ये। तो आप खुद सोचिए कि एसोसिएशन से इनको कितनी घबराहट है। कल को अभी ये जो इतने सारे लोग जो वीडियोज़ ऑडियोज़ बना रहे हैं और है ना पब्लिक को भाषण दे रहे हैं कि एसोसिएशन से क्या आपा ही पैसे देने वाली, आपा से पैसा निकलवाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट जो जो बोल रही है ना नौहेरा शेख को, तो नौहेरा शेख वही वही काम कर रही ना, तो सुप्रीम कोर्ट ही नौहेरा शेख को बोलेगी कि ये एसोसिएशन के साथ इतने सारे नॉन कंप्लेनर्स आए हैं तो इनका वेरिफिकेशन करो। पहले बोलेगी महाराष्ट्र के वो राजू चिटनिस को, जब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जो है वो राजू चिट्टी, जब है ना हमारा सारे लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर उसके बाद हमारे लिए ऑर्डर आ जाएगा कि इतने इतने टाइम में नौहेरा शेख तुम इनको पैसा दे दो। तो आपको इतनी घबराहट क्यों, अगर हम कोर्ट से ले रहे तो हाँ पैसा तो आपको देना ही है ना। आप तो बोल रहे हैं ना कि मैं देने वाली हूँ मेरा डेटा सेंटर, और ये डेटा डेटा खेलना छोड़ दो, तुम और CCS मिलके जो डेटा डेटा खेल रहे हो ना सब मेरे को मालूम है ये डेटा का राज क्या है। पहले तो तुम्हारे लॉयर, ठीक है, चाहे वो अमीन सोलकर हो, चाहे वो सुधाकर रेड्डी हो, चाहे वो तमन्ना शेख हो, जो भी हो, वो सबको पहले से मालूम रहता है कि ये कंप्लेनर का इतना अमाउंट मिल चुका है, इतने अमाउंट के लिए मांग रहा है। कैसा मालूम पड़ता है उन लोग को अगर डेटा नहीं है तो? चलो ये मेरे सवाल का जवाब दे दो। आज तक के नौहेरा शेख तुमने कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, और तुम बोलती हो मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी, तो मैं तुमको याद दिलाऊं तुम कितना झूठ बोलती हो। तुमने हमसे क्या कहा था जेल के बाहर खड़े रह के, क्या कहा था, मेरे को एक चांस मिलना चाहिए मैं बाहर आके पैसा दूंगी। मालेगांव की कस्टडी में जब तुम बैठ के जा रही थी मेरे से बात करी थी जब खिड़की के थ्रू, जब तुमने क्या कहा था, हाँ मेरा वीडियो मत बनाओ, मैं देने को रेडी हूँ, मेरे को बांध के रख दिए, निकलते के साथ ही देखना मैं दे दूंगी पैसा, मेरे पे ये हुआ है मेरे पे वो हुआ है। बाहर आके तुम्हारे को फुर्सत ही फुर्सत है, हाँ बाहर आके तुम कुछ भी काम नहीं कर रही हो, एक छोटा सा अमाउंट भर दिए तुमने वो दिखा रही हो कोर्ट को, कोर्ट को चेक दिखा रही हो कि चेक मैंने दे दी, और फिर कोर्ट को ये बता रही हो ED ने सब सीज कर दी, हाँ फिर कोर्ट ने फिर ED को ऑर्डर दे दिया। आप देखते ना 2 हफ्ते का बोला है ना डेटा देने के लिए, देख लेते ना 2 हफ्ते में तुम कितना देती, सारे इन्वेस्टर लोग देख लेना 2 हफ्ते के अंदर इनको डेटा मिलने वाला है, तो देखते हैं क्या करती है ये। हमारी एसोसिएशन का काम सिर्फ यही है कि जो लोग भी हमारे से जुड़ेंगे उनके पैसे का हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनके पैसे का
दिलाने की कोशिश करेंगे। और एक जो रिएक्शन, पता नहीं कौन सा सड़ेला चैनल है, स्काई नोएरा शेख का चैनल है, वो बोलता है नुमान पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं। अरे जाहिल लोग भी जाते हैं कोर्ट के अंदर, समझा? ये नोएरा शेख जो जाहिल है ना, ये भी गई ना कोर्ट के अंदर, तो कैसा इसके लिए ऑर्डर आया? अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं जाऊँगा कोर्ट के अंदर, मेरा लॉयर लड़ेगा कोर्ट में, मेरे को नहीं लड़ना है। और मेरी हैसियत है ना, बहुत अच्छी हैसियत का हूँ मैं, मेरी हैसियत की गिनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, कोर्ट के अंदर जो मेरा लॉयर लड़ेगा और हमको इंसाफ दिलाएगा। ये सब है ना जो बोल बचन है, ये सब जो नोएरा शेख तुम लोग को बताती है करने के लिए और बोलने के लिए, और जो तुम लोग इन्वेस्टरों में गुमराही फैलाते हो, ये सब है ना बंद कर दो फैलाना। क्योंकि है ना अभी कोई है ना तुम्हारा सुनता नहीं ऑडियो वीडियो, देख लो अपने ऑडियो वीडियो खुद ही देख लो तुम लोग, तुम्हारा कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। नोएरा शेख की चाल सब, मेरे को फ़ोन आते, मेरे को पब्लिक बोलती है लॉलीपॉप दे रही है, ये तो चॉकलेट दे रही है, क्या क्या बोलते सब, नोएरा शेख का वीडियो देख के ही सब बोल रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा सब ग्रुपों में तुम लोग को गालियाँ पड़ेगी, गालियाँ, और नोएरा शेख को भी गालियाँ पड़ेगी, समझे? जो इन्वेस्टरों को तुम लोग डिवाइड कर रहे हो ना, गुमराह कर रहे हो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। हमारा एसोसिएशन का एक ही मकसद है कि अपील करना सुप्रीम कोर्ट में और पैसा दिलाना। अब उससे नोएरा शेख को क्या तकलीफ़ हो गई भाई? हम नोएरा शेख को तो अंदर नहीं डाल रहे, उसकी बेल तो कैंसिल नहीं करा रहे, उसका कोई बिजनेस के अंदर टांग तो नहीं अड़ा रहे, हाँ, तो फ्रीडम ही फ्रीडम है उसको, खाली उसको पैसा देना है, तो उस पर भी उसको जान प्यार है। हमारी एसोसिएशन का नाम लेके बोल रही है ऐसा वैसा, फिर जो एजेंट है उसके, उन लोग को बोल रही है वीडियो बनाओ तुम सपोर्ट में, हाँ, ये सब क्या है? अल्लाह रसूल का अगर खौफ बचा होगा ना, अल्लाह रसूल का अगर खौफ बचा होगा इतना सा भी, अल्लाह वादहु ला शरीक का नाम लेती हो ना तुम नोएरा शेख, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन का जो नाम लेती हो ना तुम, उसकी मार पड़ेगी तुम्हारे पर, मार, समझ में आया? उसकी मार पड़ेगी, आइंदा नाम लेना नहीं अल्लाह का अपनी गंदी ज़बान से, अल्लाह की मार पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। ये सब जो है ना, जो बोल बोल के किसी का पैसा तुम लेके बैठी हो 3 साल से, हाँ, वो अपना पैसे की दरख्वास्त भी नहीं कर सकता, हाँ, क्या तुम नौज बिल्ला खुदा हो क्या, हाँ, क्या मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो? हाँ, नरेंद्र मोदी की पार्टी पे हो ना तुम, तो उसी की तरह तुम्हारी छवि है, वो भी डिक्टेटर है, तुम भी डिक्टेटर हो, हाँ, मैं ऐसा दूंगी, मैं वैसा दूंगी, सबको मानना ही पड़ेगा, है ना, बादशाह का कानून चलता है तुम्हारे यहाँ। तो ये सब है ना फालतूगिरी, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, फालतूगिरी बंद करो, ठीक है? नहीं तो ऐसी ऐसी जगह लेटर डालूंगा ना नोएरा शेख, ऐसी ऐसी जगह के सपोर्टर तो दूर की बात, तुम्हारे को भी ना जुल्लाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुल्लाब, सोच के रखना। अभी सिर्फ मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ दरखास्त करने के लिए, जो मेरे साथ जुड़ेंगे जितने लोग, वो बेचारे गरीब लोगों का पैसा, हाँ, उन लोग के लिए दरखास्त करने जा रहा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा वीडियो अगर आए ना तो है ना ऐसी ऐसी जगह लेटर डालूंगा ना कि समझ जाना जुल्लाब हो जाएंगे तुम्हारे को। बस आखिरी वार्निंग है तुम्हारे को और तुम्हारे सपोर्टरों को, एजेंटों को, आखिरी वार्निंग नुमान कुरैशी की तरफ से। फिर देखते हैं किसके अंदर कितना दम है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन हाइपर टेंशन है, कौन क्या है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।